हम लोगों की आईटीआई जो है बंद होने की कगार में है। तो इस तरह से देश में अनस्किल्ड युवा ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ जो आप धरना प्रदर्शन देख रहे हैं वो है अखिल भारतीय निजी आईटीआई संस्थान छात्र संगठन प्रतिनिधि मंडल। तो क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं, क्यों यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अलग अलग स्टेट से जो लोग आए हैं उन्हीं लोगों से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामेश्वर लाल। तो सर, क्या कुछ समस्या आ गई है कि आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना? एक तो हमारे बच्चे जो 18 में एडमिशन थे, 17 में एडमिशन थे, उनके आज तक सप्लीमेंट्री के एग्जाम नहीं हुए। तो उससे सप्लीमेंट्री के एग्जाम नहीं हुए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट एग्जाम नहीं हुए तो बच्चों को मार्कशीट कैसे देंगे? 5-5 साल लगे, 2 साल की आईटीआई है उसमें 5 साल लग गए। दूसरी बात, ये बड़ी कंपनियों को एमओयू दे रहे हैं, 2-2 साल की ट्रेनिंग वो एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के नाम पे वो कर लेते हैं और उनको 4,000 रुपये 2,000 रुपये महीने के देते हैं, तो कंपनियों में बच्चे चले जाते हैं और उनका शोषण होता है। आईटीआई में एडमिशन नहीं लेते वो, जो प्राइवेट मतलब कर प्राइवेट आईटीआई है उनको कंपनी वाले, बड़ी कंपनी वाले उनको गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। कहाँ से आए आप? राजस्थान से आए। राजस्थान से आए आप? अभी और भी लोग हैं सर, क्या नाम है आपका? जीपी कंसल जी। कहाँ से आए? राजस्थान से आए हैं। तो क्या कुछ समस्याएं आ गई हैं बच्चों के? आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज है कि जो अफसरशाही नौटंकी कर रही है, जो इन्होंने अनाप शनाप चीज़ें बार बार लागू कर दी जाती हैं, बेमतलब चीज़ें लागू कर देती हैं, इस सब के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट, उससे बहुत बड़ा आघात हो रहा है। आपके चैनल माध्यम से सूचना पीएम तक कार्यालय तक पहुंचनी चाहिए। कैसे आघात हो रहा है बता? अच्छा, आप नहीं बताएंगे। सर, क्या नाम है? राजेश कुमार पटेल। कहाँ से आए आप? मैं एमपी से आया हूँ, सिंगरौली जिले से। आप मध्य प्रदेश से आए हैं। तो क्या आघात हो रहा है अभी, जैसा सर ने बताया कि आघात किया जा रहा है? सर ने सही बताया है। मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि डीजीटी के तानाशाही रवैया के कारण हम लोगों की आईटीआई जो है बंद होने की कगार में है, क्योंकि इन्होंने बच्चों का अभी तक जो है जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो नहीं कराए। अब यहाँ बच्चे को आने का प्रश्न नहीं उठता है, बच्चा डायरेक्ट जो है आईटीआई में जो है तो हम लोगों के संस्थान में जा करके जो है बोलता है कि परीक्षा नहीं हुई, मार्कशीट नहीं आई टाइम से। इनके संशोधन का कार्यक्रम भी जो है इतना जटिल है, किसी के बच्चे किसी छात्र के किसी भी प्रशिक्षणार्थी का अगर फोटो नाम की स्पेलिंग कुछ गलत हो गया तो फिर वो संशोधन होने में जो है करीब 2-4 साल में भी नहीं हो पाता है। इसी के साथ साथ इनकी जो गलत नीतियां, डीजीटी की जो गलत नीतियां हैं और गलत नीतियों के कारण ये आईटीआई के संचालकगण और सभी हमारे जो विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि हैं सभी परेशान हैं। आईटी तरीके की गलत नीतियां हैं, डीजीटी की गलत नीतियां ये है कि इनका अर्धरात में जो है फरमान जारी हो जाता है कि 2 दिन में आपको ये कागज देना है और गलत ढंग से जो है इनकी जांच एजेंसियां बैठ जाती हैं कि आपको जो है 3 दिन। इनके ऐसे पोर्टल हैं, कई पोर्टल हैं, फीस आप कहीं से भरेंगे, परीक्षा बच्चा कहीं से देगा, ऑनलाइन कहीं से होगा और ये परीक्षा सेंटर भी दूर कर देते हैं। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट आईटीआई में जो है जो बच्चा 10th उत्तीर्ण होता है वही एडमिशन लेता है और 10वीं पास परीक्षार्थी देहातों से भी आते हैं, ग्रामीण एरिया से भी आता है, उसे जो है माउस पकड़ना तक नहीं आता है। लेकिन ये जो है चूंकि प्रैक्टिकल के जगह पर जो है ये पूरी तरह से जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने लगते हैं और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में जो है बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि हम क्या ले सोच करके यहाँ एडमिशन लिए थे। मैं एक कुशल कारीगर बनने के तौर पर एडमिशन लिए थे, यहाँ तो हमारा जो है तो आईआईटी के जैसे परीक्षा होने लगा हमारे मध्य प्रदेश। ऑनलाइन के संदर्भ में बोल रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं होने लग जाती हैं, ऑनलाइन रिजल्ट भी आ जाता है। जी और संस्थान का कहीं भी रोल नहीं रहता है। यदि आज आप किसी भी संस्थान में देख लीजिए, वहाँ के इंस्टीट्यूट वहाँ के प्रिंसिपल का सील सिग्नेचर होता है। ये आईटीआई के छात्रगण कहीं से भी एग्जाम फॉर्म भर लें, अपनी मार्कशीट निकाल लें और वहाँ पर आईटीआई का कोई रोल नहीं, संस्थान की जो भी फीस बची हुई है वो फीस जो है लेप्स हो जाए। और इनके सभी गलत नीतियों के कारण जो है आज आईटीआई जो है प्राइवेट आईटीआई जो है बंद होने की कगार में है। तो प्राइवेट अगर बंद हो भी रहा है, अभी सर क्या नाम है आपका?
मैं डॉक्टर अरुण नायक, उड़ीसा एसोसिएशन का अध्यक्ष। अच्छा, अभी सर ने बताया कि जो प्राइवेट आईटीआई हैं बंद होने की कगार पे हैं, तो प्राइवेट जो है आईटीआई क्या इस तरीके की शिक्षाएं दे रहे हैं? अगर ऑनलाइन अगर रिजल्ट आ जा रहे हैं, ऑनलाइन अगर पढ़ाई हो रही है, तो डिजिटल हो रहा है ना इंडिया, तो ये तो अच्छा है। नहीं, ऑनलाइन होना डिजिटल होना दोनों अलग बात होता है। ये जो बताए पहले कि प्रधानमंत्री का सपना है कि किसी भी मुल्क का तरक्की तब होगा जब उस मुल्क का आईटीआई आगे जाए। आईआईटी की बात नहीं करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं प्रधानमंत्री। दो एग्जांपल देता हूँ ये कैसे हमारे ऊपर हैम्पर करता है। पहला एग्जांपल ये है कि देखिए, गवर्नमेंट के पास 13,000 आईटीआई है, 13,000, मोर देन 13,000 आईटीआई है, और 13,000 आईटीआई एफिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन जब स्किल इंडिया का ट्रेनिंग आता है तो ये कोई एनजीओ वाला उसको ले जाता है, कोई एनजीओ वाला अपना डॉक्यूमेंट्स लगाए और स्किल इंडिया का ट्रेनिंग ले गया। फिर वो एनजीओ वाला क्या करता है, उसके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, वो आता है हमारे पास और वो हमसे दलाली करता है, बोलता है 50% आप ले लो और ये ट्रेनिंग करा लो। ये गलत नीति ये है। हम ये बोलना चाहते हैं कि 13,000 आईटीआई आपके पास है, आप एफिलिएशन दिए हो उसको, आप उस इनके मालिक हो, क्यों ना आप आईटीआई में ये सब ट्रेनिंग शुरू करो, आईटीआई में आप शुरू कर सकते हैं। ये पहला नीति उनका गलत है जो आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, आईटीआई का मतलब 80% प्रैक्टिकल है और 20% थ्योरी है। 80% प्रैक्टिकल मतलब ये आईटीआई वाले आईआईटी नहीं बनेंगे, आईटीआई के बच्चे इंजीनियर नहीं बनेंगे, ये जाके स्किल लेबर बनेगा, ये जाके फैक्ट्री में काम करेगा, लेद में काम करेगा, फाइल मारेगा, इनको कंप्यूटर में घुमा दिए। ये सीबीटी एग्ज़ाम के नाम पे पहले 2 साल पहले, 3-4 साल पहले हमारे एग्ज़ाम 5 दिन का होता था, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, AITT एग्जामिनेशन उसको बोला जाता है। ये एग्ज़ाम 5 दिनों में पूरी एक ही साथ ऑल इंडिया में ख़त्म हो जाता है और रिजल्ट 1-2 महीने में निकल आता था। अभी ये बच्चे लोगों को साल भर एग्ज़ाम कराते हैं, कभी यहाँ यूपी में इस महीना और मध्य प्रदेश में उस महीना, पूरा साल भर एग्ज़ाम कराते हैं और एक एक दो दो साल तक रिजल्ट नहीं आता है। फिर उनका सप्लीमेंट्री कब आएगा? अभी 19-20 और 20-22 का सप्लीमेंट्री कब आएगा उसका कोई ज्ञान नहीं है, कोई बच्चों को है ना संस्थापकों को है। तो ये सब गलत नीतियाँ एक दो मैं आपको के सामने रखा, ये गलत नीतियाँ की विरोध करते हैं और हम बोलते हैं DGT को कि ये ITI है, इसका कुछ ओरिजिनलिटी है और इसको ITI रहने दीजिए, IIT मत बनाइए। तो मगर प्रधानमंत्री जी तो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं और स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए इतना डिजिटल बना दिया है, ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी बताई जा रही है, स्टूडेंट्स भी खुश थे कोरोना टाइम में, डिजिटल जो है बहुत फेमस भी हुआ, ऑनलाइन शिक्षा जो है बहुत फेमस हुई, और अब तो स्टूडेंट्स की भी कई बार मांग भी हो जाती है कि हाँ ऑनलाइन ही होना चाहिए। आप एक हाउस वायरिंग कैसे ऑनलाइन करेंगे? कोई घर का वायरिंग करना है किसी को तो उसको ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे? कोई लेद में काम होगा उसको ऑनलाइन नहीं सिखा सकते। ये बड़ी बड़ी चीज़ है, ये IIT वाले चीज़ है, ये इंजीनियरिंग वाली चीज़ है, ITI को समझिए। ये स्किल लेबर हैं जो फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ट्रेन की डब्बा बनाते हैं, ये ऑनलाइन सिखाई नहीं जा सकता। तो ये डिजिटल इंडिया इसमें फेल होगा, ऑनलाइन कैसे सीखेंगे? कोई आदमी ऑनलाइन कैसे सीखेगा हाउस वायरिंग? उसको तो ये योजना फेल है। नहीं 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 नहीं, वो ऑनलाइन अलग चीज़ है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल आप ऑनलाइन नहीं सिखा सकते। कोई कारपेंटर है, हमारे ट्रेड है कारपेंटर का, वो कारपेंटरी कैसे ऑनलाइन सिखा सकते हैं आप? कोई मैसन है, कोई मिस्त्री के काम करेगा, घर बनाएगा, उसको ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे आप? मसूला अच्छा चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना तो अच्छा नहीं आता। ये हम बोलना चाहते हैं कि आईटी जो आईटी का जो पाठ्यक्रम रहता है ये 80% प्रैक्टिकल बेस होता है और 20% थ्योरी होता है, लेकिन ये 20% को लेके ये बहुत ज़्यादा 20% में अपना 80% दिमाग डालते हैं। हम बोल रहे हैं आप प्रैक्टिकल को सुधारिए, ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है इसको सुधारिए, प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। आप 20% में आप इसको CBT कंप्यूटर करके ऐसा कर देने से बहुत सारे बच्चे आते नहीं आईटी, कौन आएगा 100 किलोमीटर एग्जाम देने के लिए जाएगा?
और ये कोई भी पाठ्यक्रम में नहीं है, ना डिप्लोमा में है, ना पॉलिटेक्निक में है, ना बीटेक में है, ना एमबीए में है, सिर्फ आईटीआई में उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हम चाह रहे हैं इससे ये चीज़ बंद हो। सर क्या नाम है आपका? जी मैं मनोज कुमार त्रिपाठी हूँ, मध्य प्रदेश से। जी जी जी। तो अभी जैसे सर बता रहे हैं कि ऑनलाइन 20% मतलब जो है वैसे 20% है, वैसा 80% है, लेकिन इंजीनियर्स के लिए तो पकौड़ा तलना भी अब जो है रोजगार बता दिया गया है। आप समझो मैडम बात को, हम जो लोग हैं, हमने आपसे बोला हम आईटीआई वाले हैं, आईटीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। अभी सर ने बताया उसमें, अब इसमें हमारी जो ट्रेड हैं वो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन मतलब जो बिजली सुधारते हैं, करंट का फेज न्यूट्रल नेगेटिव पॉजिटिव ये सीखना उनका काम है, प्लम्बर जो हमारी लकड़ी का काम करते हैं, फिटर हमारे घर में कोई मशीन टूट गई कुछ हो गया उनको फिट कैसे किया जाता है, यानी आठवीं और दसवीं पास बच्चा आईटीआई करता है, बीए बीएससी बीकॉम वाला बच्चा नहीं करता है। तो जो आठवीं दसवीं वाला बच्चा है, प्रधानमंत्री जी का जो आप हरदम भाषण सुनते हो वो जो कहते हैं कि देश तरक्की करेगा आईटीआई से, आईआईटी से नहीं, दूसरा स्किल्ड होगा आदमी तो अपना रोजगार भी स्वयं ढूंढ लेगा, है ना। तो वो ये स्किल है वो उसके प्रतिभा की है, अगर मैं कारपेंटर हूँ तो मैं कारपेंटरी अच्छी कर लूँ, ये मेरी स्किल है, है ना। तो अब जाहिर सी बात है कारपेंटरी करने के लिए मुझे प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, किताबों से पढ़ के नहीं आने वाला। अगर एक मेरा जो गुरु होगा वो मुझे प्रैक्टिकली सब चीज़ें सिखाएगा तो मैं बेटर सीख पाऊंगा, ना कि किताबों से पढ़ के। अब मैं बिजली के अर्थ आपको समझाऊँ, न्यूट्रल आप प्रॉपर आप प्रैक्टिकली सीख पाएंगे किताबों से नहीं? बिल्कुल, 80% हमारा जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, 20% केवल थ्योरी है, उसमें ट्रेनिंग है ना, आप समझो नाम ही उसका ट्रेनिंग है। अब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से भाषण दिया कि देश को तरक्की आईटीआई से मिलनी है, उसके बाद आवेदन निकाले गए, तो धड़ाधड़ हम लोगों ने देश की प्रगति के माध्यम के अग्रसर बनाने के लिए अपने स्वयं के पैसों से जो भी नॉर्म्स थे उनके उनके हिसाब से कि इतनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, ये आपके नॉर्म उपकरण चाहिए, यानी 50 लाख से लेकर 1 करोड़ की लागत पर आईटीआई खुलता है। बिल्डिंग की नॉर्म्स भी जो होते हैं उनकी नाप के होते हैं कि कमरा 300 मीटर का चाहिए तो 300 मीटर का ही चाहिए, अगर वर्कशॉप 1000 मीटर की है तो 1000 मीटर ही चाहिए। उसके बाद फिर डीजीटी की टीम, उसके बाद क्यूसीआई, 3-4 जांचें होती हैं तब जाके एक आईटीआई कॉलेज खुलता है, फिर हम एडमिशन लेना स्टार्ट करते हैं। एडमिशन के जो उनसे फीसें आती हैं वही हमारा रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट से हमें कोई फंडिंग नहीं होती है। अब हमने आईटीआई तो खोल लिया। छात्र भी आए हैं क्या यहां? नहीं छात्र नहीं आए। अब समस्या मैं आपको गिनवाता हूं, ये तो मैं ये बताया कि ये आईटीआई है जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि आईटीआई और लोगों को स्किल करना देश के भविष्य के लिए आईटीआई जरूरी है। तो आईटीआई वाले वो हम सब लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के सपने को आगे बढ़ाने के लिए उनके, तो अभी सपना क्या टूटता हुआ नजर सपना आ रहा है? ये टूटता आ रहा है, पहले समझो आप। अब दिक्कत पहली कहाँ आई कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम फॉर्म उन्हीं के पोर्टल से स्टूडेंट लोगों से खुद भरे जा सकते हैं। आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, हम अपने कॉलेज जाते हैं, एग्जाम फॉर्म फीस भरते हैं, तब जाके एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, फिर हमें एडमिट कार्ड मिलता है जो हमें कहाँ से मिलता है, कॉलेज से। फिर एडमिट कार्ड लेके हमारा जहाँ सेंटर होता है हम पेपर देने जाते हैं, लेकिन हमें कॉलेज एडमिट कार्ड कब देता है? एनओसी देके, बेटा फीस क्लियर कर दो। अगर फीस आपकी कम है तो आपको बोला जाता है कि मार्कशीट नहीं देंगे, चलो पेपर तो दिला देते हैं। मार्कशीट तभी देंगे जब आपके पैसे मिल जाएंगे। अब हमारे यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट पोर्टल पर ही फीस कट जाती है, बच्चा खुद काट सकता है, बच्चा खुद ही एडमिट कार्ड निकाल सकता है, उसका बच्चा खुद ही मार्कशीट भी निकाल सकता है। तो इसमें खराब क्या है, गलत क्या है? मैडम आप समझो बात को, बच्चा फीस नहीं पे करेगा तो मैं कॉलेज कैसे चलाऊंगा? आप मेरे यहाँ पढ़ते हो, आपकी फीस एक साल की 25,000 रुपए है, मैंने आपसे आप 5,000 जमा कर गए, आपने बोला सर एडमिट कार्ड पे जब परीक्षा फीस आएगी तब फीस समय जमा करूंगा। तो जब मैंने आपको फोन लगाया आप तब पढ़ाई तो कर रहे हो, मैंने कहा बेटा फीस जमा करो, आपने बोला नहीं सर मैं नहीं भर रहा, लेकिन आप खुद काबिल हो कि आप भर लोगे, तो मैं रोज सोचूंगा आपका एडमिट कार्ड नहीं दूंगा मैं, वो भी आप खुद निकाल लोगे, तो मैं सोचूंगा आपकी मार्कशीट रोक दूंगा वो भी आप निकाल लोगे, तो आप मुझे फीस क्यों दोगे? अब क्या जरूरत है मेरी जब सब कुछ मिल गया आपको? फीस नहीं आ पा रही है इसलिए समस्या है, पहली समस्या, ये पहली समस्या है। मेन जो सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो चाहते हैं कि देश का हर युवा स्किल में कंप्लीट हो और अपना रोजगार करे। अब स्थिति ये आ जाती है कि ये हमारा जो आईटीआई का स्टूडेंट है, एक बार एडमिशन लेने के टाइम पे हमारे पास आता है, उसके बाद जब उसको फीस देने का नंबर आता है, महीना पूरा होता है, तो वो फीस देने से मना कर देता है, और फिर उसको ये डर नहीं रहता कि भाई पहले तो हम ये कह सकते थे भाई प्रवेश पत्र परीक्षा में नहीं बिठाएंगे, प्रवेश पत्र नहीं देंगे, मार्कशीट नहीं देंगे, लेकिन अब उसको कोई डर नहीं है।
वो खुद प्रवेश पत्र निकाल सकता है, तो वो जब फीस देता ही नहीं है तो वो कॉलेज आना भी बंद कर देता है। योजना शुरुआत की गई है तो कुछ सोच के ही तो की गई होगी। ये एक्चुअली कोरोना के चक्कर में बच्चा जब स्किल में कुछ काम करता ही नहीं है, वर्कशॉप में आता नहीं है, ट्रेनिंग पूरी नहीं करता, तो वो उसको कोई नॉलेज नहीं होती ट्रेनिंग की और वो अनस्किल्ड लड़का रह जाता है। वो जैसे तैसे परीक्षा पास भी कर लेता है, मार्कशीट लेने हमारे पास नहीं आता। तो इस तरह से देश में अनस्किल्ड युवा ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वो स्किल नहीं हो पाते हैं। और ये नीतिए है, अदर कौन से इंस्टीट्यूट में इस तरह की व्यवस्था है कि आप मार्कशीट आप ऑनलाइन निकाल के आप उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप उसको बता सकते हैं। आपने क्या किया हुआ है? तो गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, मेरे साथ हुआ है। आप मेरा एक उदाहरण समझिए, बाड़मेर में प्लांट लगे हुए हैं इसके तेल निकालने के, वहाँ से एचआर डिपार्टमेंट का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आपके इंस्टीट्यूट की एक मार्कशीट आई है और ये बच्चे का तो हमने ऑनलाइन पोर्टल चेक किया तो इसका तो नाम ही नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा सर आप भी ऑनलाइन चेक कर लीजिए, अगर बच्चे का नाम आ रहा है तो मार्कशीट सही है और नहीं है तो गलत है। अब मान लीजिए आप ये मेरे मित्र हैं, मैं एडमिट कार्ड वगैरह सब इनके पास रखा हुआ है मेरा, इन्होंने मेरी मार्कशीट निकाल ली, इन्होंने आईटीआई करी नहीं रखी है, इन्होंने जाके जाली हमारी मार्कशीट बिल्कुल प्लेन आती है सादी एडिट करके नाम चेंज करा और वहाँ डिपार्टमेंट में लगा दी इन्होंने। उल्टा मेरे पास फोन आता है, वो मुझसे कहता है क्या थाने में रिपोर्ट। मैंने कहा भैया सबसे पहले मैं कराऊँ या आप कराओ ये बताओ। क्या नाम है आपका? विजय प्रताप सिंह। आप मतलब पढ़ाते हैं, स्टूडेंट हैं या क्या है? मैं डायरेक्टर हूँ आईटीआई कॉलेज का, सभी संचालक हैं। अच्छा, संचालक हैं सभी। आप एक सेकंड, छोटा सा उदाहरण है, आपने क्या किया हुआ है मैं उसी से आपको समझा दूंगा क्या कि आपके जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में आपने कहाँ से किया है? डीयू से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप मार्कशीट लेने आप ऑनलाइन रिजल्ट देख सकते हैं, पर जो मार्कशीट की हार्ड कॉपी है वो तो आप डीयू गए होंगे लेने, डीयू लेने ही गए होंगे, उस पर आपको एक सर्टिफाइड मार्कशीट दी होगी उन्होंने, प्रिंटेड हार्ड कॉपी दी होगी उन्होंने, हार्ड कॉपी दी होगी। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चा खुद उसके पोर्टल पे उसकी मेल पे आ रही है बकायदा मार्कशीट, आप उसको निकाल लीजिए। और डीयू ने भी इस तरीके के मतलब जो है ऑनलाइन सब, डीयू मैडम एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या होता है आप फीस पहले ही पे कर देते हैं, आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है डीयू का आपका फीस स्ट्रक्चर आ जाता है, आपको फीस पे करनी पड़ती है, तब आपकी वहाँ पर एनरोलमेंट होता है जनरल, बाकी सारी आगे की प्रोसेस चलती है। पर यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इस तरह से होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पहले तो गवर्नमेंट में लगभग सारी सीटें भर जाती है, बच्चे कुछ जो कुछ नीचे तबके का बच्चा आता है वो हमारे पास आता है। अब वो बच्चा कहता है कि सर 20,000, 25,000, 30,000 जो भी फीस होती है 2 साल की 1 साल की उसमें तय करता है, अब उसमें हमें उनकी किस्तें बनानी पड़ती है। एक 3 मुद्दे हैं, इनको खुद को फीस लेनी होती है तो ये एनओसी कर देते हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट की फीस निकालनी होती है तो कॉलेज से कोई एनओसी की आवश्यकता नहीं है, बच्चा डायरेक्टली प्रोफाइल से मार्कशीट निकाल सकता है। तो ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि बच्चा जो प्रोफाइल उसकी बना दी गई है, तो या तो ये हमें एनओसी दें, तो कॉलेज वाला बच्चे को एनओसी दे उसके माध्यम से वो बच्चा मार्कशीट निकाल पाए, हमें नहीं मतलब है ये एनओसी के माध्यम बच्चे को प्रोफाइल से मार्कशीट डाउनलोड करवाएं, ठीक है उसमें हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन कॉलेज वालों के लिए तो एनओसी होना चाहिए। कॉलेज वाले का कोई ना कोई तो, जब कॉलेज वाला बच्चे के लिए रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद के उसको प्रैक्टिकल ही करवा रहा है, स्टाफ सीटीआई रख के उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहा है। आईटीआई का मतलब ही होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब उद्योगों में जो काम चल रहा है उसकी आपको हर प्रकार का प्रैक्टिकल बच्चे को सिखाना है। अब बच्चे को आप ट्रेंड कर रहे हो और ट्रेंड करने के बाद बच्चा पेपर देने के बाद मार्कशीट निकाल के फ्रू हो जाता है, अब बच्चा आप भी हो मैं भी नहीं जाएगा कॉलेज में, कैसे होगा ट्रेंड? कैसे होगा? आप मैडम, मैं जो है गजेंद्र मेहता, राजस्थान कोटा से है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि और भी यूनिवर्सिटीज इसी तरीके का ऑनलाइन जो है, समझो मैडम? नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ अदर यूनिवर्सिटी में, और हाँ आप समझ, मैं समझाता हूँ आपको, वो आपका थ्योरी बेस है, यहाँ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, इसमें 80% प्रैक्टिकल है, बच्चा फीस के डर से आते ही नहीं है कि फीस देनी पड़ेगी मेरा तो काम हो गया, जब वो सीखेगा ही नहीं तो कद इसका भविष्य बढ़ाएगा आगे। अदर यूनिवर्सिटी में ये नहीं होता है? आप देखिए मैं आपको बताऊं, आप तो यूनिवर्सिटी जिम्मेदार, कॉलेज जिम्मेदार, और अगर बच्चे ने फीस एग्जाम फीस जमा नहीं किया तो भी कॉलेज जिम्मेदार, और बच्चे ने अगर डिप्लोमा निकाल लिया तो भी कॉलेज जिम्मेदार, मतलब बच्चा कुछ भी करो जिम्मेदार कॉलेज होगा। अदर यूनिवर्सिटी आप जैसे अदर यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे रहे हैं, मैं आपको यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देता हूँ, माखनलाल यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए, आप कोई भी कार्य होगा एक पैनल के माध्यम से होगा, आपको पैनल के माध्यम से उनको बाय पोस्ट करना पड़ेगा, और माखनलाल यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज में बाय पोस्ट करेगी। आप जीवाजी यूनिवर्सिटी हमारे ग्वालियर में चलती है, उनका भी पैनल के माध्यम से काम है, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटियों में भी पैनल के माध्यम से काम है, लेकिन इनके यहाँ पैनल के माध्यम से कोई काम नहीं है, आप तो प्रोफाइल के माध्यम से काम कीजिए।
बच्चे की अगर प्रोफाइल गलत भी है तो वो गलत ही है, उसको सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी सुधार नहीं होगा। तो ये कौन सी तानाशाही है? इसी तानाशाही के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, यही तानाशाही। आप लोग छात्रों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, लेकिन छात्र यहाँ पर तो नहीं है। मैडम जो छात्र हमारे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, छात्र हमको जानते हैं, छात्र कोई डीजीटी या यूनिवर्सिटी थोड़ी जाएगा, छात्र हमसे कहते हैं। अब एक बताओ मैडम, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्किल्ड मतलब अपन को ट्रेनिंग चाहिए, अब वो कॉलेज आएगा प्रॉपर टाइम पे ट्रेनिंग करेगा, पूरे समय प्रैक्टिकल करेगा तो स्किल्ड हो पाएगा। जब बच्चा फीस स्वयं भर रहा है, मतलब कॉलेज में फीस दे नहीं रहा, खुद पोर्टल पे फीस भर रहा है, खुद पोर्टल से प्रवेश पत्र निकाल रहा है, खुद पोर्टल से अपनी प्रोफाइल से मार्कशीट और सर्टिफिकेट निकाल रहा है, तो कॉलेज क्यों आएगा? कॉलेज का क्या दबाव है उसके पास कि वो कॉलेज जाए? कॉलेज के संचालक का उसके ऊपर कोई मतलब दबाव नहीं रहा, कोई प्रेशर नहीं है, तो कॉलेज नहीं आएगा। कॉलेज नहीं आएगा तो प्रशिक्षित कैसे होएगा, स्किल्ड कैसे होएगा? और कॉलेज जो आईटीआई संचालक यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनका मेन ये है कि अगर ये स्थिति रही, अगर ये बच्चा प्रोफाइल से मार्कशीट निकाल लेगा, बच्चा प्रोफाइल से एडमिट कार्ड निकाल लेगा, तो फिर कॉलेज वाले को कोई नहीं पूछेगा, कॉलेज संचालक को नहीं पूछेगा। अच्छा, तो फिर हमारी फीस नहीं मिलेगी। जब हमारी फीस हमको नहीं मिलेगी तो हमारे कॉलेज बंद हो जाएंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे कॉलेज का रेंट, हमारे बिजली का बिल, हमारे स्टाफ का पेमेंट, कौन देगा, कहाँ से देंगे? बच्चा तो सब काम एडमिशन लेके एडमिट कार्ड फीस खुद भर लेगा, फीस खुद भरने के बाद एडमिट कार्ड खुद निकाल लेगा, एडमिट कार्ड निकालने के बाद एग्जाम भी खुद दिएगा, एग्जाम देने के बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी खुद निकाल लेगा। बताओ कॉलेज के लिए क्या आएगा? कॉलेज की फीस कैसे लेगा? कॉलेज वाले को फीस क्यों देगा वो? तो इसलिए ये जो है ना डीजीटी, ये प्रोफाइल वाला बंद करे, ये सारा कॉलेज के माध्यम से होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट कॉलेज के माध्यम से निकालना चाहिए, बच्चा मार्कशीट और सर्टिफिकेट कॉलेज से ले, फीस कॉलेज में भरे, और सारा काम जो कॉलेज के माध्यम से इंस्टीट्यूट के माध्यम से होना चाहिए, तभी ये कॉलेज आईटीआई कॉलेज बच पाएंगे, अन्यथा एक दिन साल दो साल में सभी कॉलेज बंद होने के कगार पे हैं। जब बच्चा सब कुछ खुद कर लेगा तो वो ट्रेंड नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा ये। बच्चा जब कुछ सब कुछ कर लेगा, कॉलेज आएगा नहीं तो बिल्कुल ट्रेंड नहीं हो पाएगा, तो उसके भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। डर से कॉलेज नहीं आएगा कि अगर आईटीआई कॉलेज जाता है बच्चा तो उसको फीस देनी पड़ती है, आईटीआई संचालक के कॉलेज में जाना पड़ता है, इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, तो फीस से बचने के चक्कर में कि उसको फीस कॉलेज की नहीं भरनी पड़े, इसके लिए वो कॉलेज नहीं जाता, ऊपर का ऊपर सारा काम कर लेता है, ट्रेनी प्रोफाइल से सारा काम कर लेता है, जो डीजीटी ने बच्चे की प्रोफाइल पे डाल रखा है। तो सबसे पहले डीजीटी, ये यूनिवर्सिटी, ये जो हमारा जो यूनिवर्सिटी है डीजीटी जो उसको संभालती है, ये बच्चे को ये सारी चीज़ें बंद करे, कॉलेज से ही तो बच्चे की फीस जमा हो, कॉलेज संचालक और कॉलेज जो संस्थान है वहाँ से बच्चे का प्रवेश पत्र मिले और उसी के माध्यम से मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिले, क्या कुछ करेंगे अब? तो जो है ये आईटीआई की स्थिति सुधर सकती है, अन्यथा साल दो साल के अंदर ये सारी आईटीआई बंद होने के कगार पे, क्योंकि बच्चा ऊपर का ऊपर प्रोफाइल से सारा काम कर लेता है और उसको आईटीआई संचालक के संपर्क में नहीं आता, उसकी फीस नहीं देता। जब फीस ही नहीं आएगी तो कॉलेज कैसे चलेंगे मैडम, बताइए आप? और बच्चे का तो काम हो रहा है, एक बार बच्चा एडमिशन लेने के बाद फ्री हो गया। तो मेरा निवेदन है कि आप जो है ये हमारी बात आपके चैनल के माध्यम से पहुँचाएं कि डीजीटी जो फीस का जो है अधिकार कॉलेज को दे, एडमिट कार्ड भी कॉलेज के माध्यम से मिले, और जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये भी कॉलेज के एनओसी के से ही मिले, अन्यथा जो ऊपर से ये अधिकार बच्चे से हटाए जाए। तो क्या कुछ मांगे लेकर के अब जो है आप कुछ यहाँ पे पत्र वगैरह भी दिया है आपने? बिल्कुल, हाँ दिया है ना मैम, जो है यहाँ से ये प्रतिनिधि मंडल है, ये यूनियन का हर प्रत्येक जो है स्टेट से दो या एक एक या तीन तीन प्रतिनिधि आए हैं, ये सिर्फ एक सांकेतिक वो है जिसमें हमारी मांगों को हम शांतिपूर्वक रूप से आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक और डीजीटी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। रहा सवाल आपने जो पूछा था, इसके बाद में अगर मान लीजिए वो मांगे हमारी नहीं मानी जाती है, हम शांतिपूर्ण तरीके से करबद्ध निवेदन करके उनसे शांतिपूर्ण तरीके से मंगवाना चाह रहे हैं, अगर इसमें नहीं मानी जाती है तो इसके ऊपर अमल करके दीपावली बाद में कोई आगे की प्रोग्राम तय करके और वो किया जाएगा। विशाल धरना प्रदर्शन भी होगा हर राज्य से छात्रों। आपने जो पूछा था एक सवाल भाई साहब से कि इसमें आपका हित है, बच्चे का क्या हित है, बच्चे और
संचालक दोनों की बहुत बढ़िया मतलब परेशानियां चल रही है इसमें। बच्चा जो है, बच्चे को आज 5-5 साल हो गए, स्टूडेंट को 5 साल में वो ITI नहीं कर पाया है, 5 साल में समय से परीक्षा नहीं हुई है, 5 साल में समय से रिजल्ट नहीं आए हैं। बच्चा जो पढ़ने वाला है वो संस्थान में आता है, संस्थान वालों का भविष्य भी मतलब गर्त में जा रहा है, बच्चों का भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि 5 साल से समय पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए दूसरी बात, संचालकों का भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि उनकी जब बच्चा टाइम हित की बात नहीं हो पा रही, अपने हमारे हित की भी नहीं हो पा रही, बच्चों के हित की भी नहीं हो पा रही, और ढंग के प्रोफाइल मतलब जो ट्रेनी है वो भी नहीं निकल पा रहे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे बच्चों के हित की सोचते हुए, ITI संचालकों के हित की सोचते हुए, और देश के भविष्य को स्किल मतलब स्कूल ट्रेनिंग निकालने के लिए ये सब सारी चीज सरकार द्वारा सोचते हुए हमारी सुनवाई, हमारी जो मांगे हैं उनको सुनवाई की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये आप देखिए कि जो छात्र हैं IIT, तो जिस तरीके से वो ऑनलाइन डिजिटल तरीके से पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं और फिर उसी के द्वारा जो है परीक्षा की जो फीस है वो भर देते हैं, लेकिन कॉलेज की जो फीस है वो नहीं भर पाते हैं। इसी के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर संचालक सारे जुटे हैं कि इनके हित की बात नहीं हो पा रही है, इनके लिए भी जो है खर्चा आगे दे पाना और इनका भी पैसा नहीं निकल पा रहा है, और कॉलेज का जिस तरीके का बिजली का बिल है या फिर उसके इंस्ट्रक्चर, उसकी जितनी भी वहाँ पर कुर्सियाँ और सामान है उसका भी पैसा नहीं निकल पा रहा और इनके भी हित की बात नहीं हो पा रही है। साफ सीधी सी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मोदी जी ने किसानों के लिए स्कीम निकाली, लेकिन किसानों के लिए जो स्कीम निकाली किसानों के लिए ठीक नहीं थी, उसी तरीके से और मोदी जी लगातार बोल रहे थे कि ये स्कीम बहुत बेटर है, उसी तरीके से यहाँ संचालक भी बता रहे हैं कि छात्रों को तो परेशानी शायद समस्या नहीं है, इसलिए यहाँ छात्र नहीं है संचालक है, और वो उनकी भविष्य की बात कर रहे हैं कि ये इस तरीके की नीति है कि भविष्य उनका गर्त में जा रहा है छात्रों का, लेकिन जो छात्र है वो ऑनलाइन इस तरीके की शिक्षा प्राप्त कर ले रहा है और जा करके एग्ज़ाम दे दे रहा है। तो ये इस तरीके की नीति है, आप देखिए कि कहीं छात्रों के भविष्य के लिए संचालक सोचते हैं लेकिन छात्रों को ये नीतियाँ पसंद नहीं आ रही हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।